असलम एवरीवान एन दिस वीडियो आई एम गोना डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स ऑफ द स्टेप्समेंट टू थाउजेंड ट्वेंटी ये वाला क्वेश्चन जो था ये मैंने पिछली वीडियो में स्किप कर दिया था बिकॉज इट वॉज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड लेकिन बहुत स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में इसका पूछा था सो आई एम गोना शेयर इट्स सोल्यूशन विद यू तो ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है बट इट्स क्वाइट ईजी एंड इस क्वेश्चन में आपको एक सर्किट डायग्राम दी हुई थी और आपसे पूछा गया था कि वट इज़ द करंट थ्रू रजिस्टर टू एम्पेयर टू ओहम्स ये वाला जो है रेजिस्टर जो है इसकी इसमें से जो करंट पास करी है वो हमने बतानी थी अभी जो ट्वेंटी सर्किट uh, को गौर से देखें तो ये वाला जो है ये टोटल वोल्टेज है ट्वेंटी फोर वोल्ट और ये वाले डिफरेंट रजिस्टर्स हैं वन ओहम सिक्स टू फोर ओहम्स और थ्री ओह का अगर इसको मैं नाम दे दूँ इसको आर वन आर टू आर थ्री आर फोर और आर फाइव इस तरह इनको नाम दे लेना है और उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि हमने देखना है कि ये वाले जो है ये तीनों रेजिस्टर्स आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है तो इनकी जो आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी आर इक्विवेलेंट वन अगर मैं इसको कह लूँ तो इसको पैरेलल की जो आर इक्वेविलेंट रेजिस्टेंस होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन की वो इस तरह होती है कि वन ओवर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर टू प्लस वन ओवर आर थ्री तो इसमें वन ओवर सिक्स प्लस वन ओवर टू प्लस वन ओवर फोर विच विल इवेंचुअल रिजल्ट इन टू इलेवन ओवर ट्वेल्व लेकिन हमने वन ओवर आर इक्वलेंट फाइंड नहीं करना हमने फाइंड करना है आर इक्वलेंट तो जो आर इक्वलेंट होगा वह ट्वेल्व ओवर इलेवन होगा ये आर इक्विवेलेंट वन है ये सिर्फ इस पोर्शन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है लेकिन अगर पूरे सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करें तो अब ये कुछ इस तरह हो जाएगा कि ये वाला ये वाला और ये वाला जब सीरीज में आपस में कनेक्टेड है तो ये जो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं पैनल सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कनेक्टेड होते हैं रेजिस्टर्स उनमें हम सिंपली एड करते हैं तो हम अगर लिखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टू विच इज ऑफ द होल सर्किट तो ये होगी हमारी वन प्लस थ्री प्लस ट्वेल्व ओवर इलेवन और ये मसीद इस तरह होगी अब इसको um, इसका शॉर्टकट भी है कि हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं हम समझ लेते हैं कि ट्वेल्व और इलेवन ऑलमोस्ट सेम है तो फोर प्लस वन पॉइंट समथिंग इट्स लाइक वन पॉइंट जीरो नाइन तो ये आ जाएगा फाइव पॉइंट जीरो नाइन ओहम विच इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट ठीक है और अब हमने पूरे सर्किट का जो वोल्टेज है वो तो पहले क्वेश्चन में गिवन था और हमने रेजिस्टेंस जो है इक्विवेलेंट पूरे सर्किट की वो भी फाइंड कर लिया है अब जो एक चीज रहती है वो हमारी है हमारा जो एक टोटल पूरे सर्किट में से जो करंट पास कर है तो वो हमने फाइंड करनी है हमें करंट का फॉर्मूला बताया कि आई इज इक्वल टू वी ओवर आर तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर, दे, कर देंगे पूरे सर्किट पूरे सर्किट का वोल्टेज ट्वेंटी फोर है और जो हमने अभी रेजिस्टेंस पूरे सर्किट के फाइंड किया ये फाइव पॉइंट जीरो नाइन है इसमें भी हम अगर इसी तरह राउंड ऑफ कर लें कि फाइव 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 फोरस आर ट्वेंटी होता है तो इट्स लाइक फोर पॉइंट सेवन एंड समथिंग तो 4.7 ये पूरे सर्किट में से करंट पास कर रही है अब आपने देखना है कि जो एक बात याद रखनी है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें वोल्टेज सेम रहता है सारे में से और जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें करंट सेम रहती है तो अगर इसको देखें तो जितनी करंट इसमें से पास कर रही है उतनी ही इन तीनों को की मिला के पास कर रही है और फिर इसमें से भी उतनी करंट पास कर रही है और अब हम ये देखेंगे अब हमने पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस भी फाइंड कर ली करंट भी फाइंड कर ली वोल्टेज पहले ही था अब हम ये वाला जो हमारा पोर्शन है ना इसमें से देखेंगे कि इसमें से कितनी करंट पास करी इसमें से उतनी करंट पास करेगी जितनी टोटल करंट है फोर पॉइंट सेवन एमपीय और जो वोल्टेज है वो हमने अब वोल्टेज जो है वो भी इन इस वाले पोर्शन का देखना है कि इस सारे पोर्शन में से कितना वोल्टेज है इसके अक्रॉस और जो वोल्टेज सिक्स टू और फोर में होगा वो तीनों में एक जैसा वोल्टेज ही पास करेगा क्योंकि ये तो तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो अगर हम वोल्टेज फाइंड करें इस वाले पोर्शन का तो वी इज इक्वल टू आई आर होता है और इस पोर्शन में से कितनी करंट पास करिए जितनी ओवरऑल करंट है टोटल करंट ठीक है फोर पॉइंट सेवन और जो इस पूरे आ, हिस्से की जो हमारी रेजिस्टेंस है दैट इज ट्वेल्व पॉइंट इलेवन जो कि और इसको अगर रफ सर सॉल्व करें तो इट्स लाइक समथिंग लाइक अगर इसको ये तकरीबन वन पॉइंट वन समथिंग तो फोर पॉइंट सेवन को वन पॉइंट वन तो ये कोई फाइव पॉइंट समथिंग के अराउंड आ रहा है फाइव पॉइंट वन वोल्ट इसका आंसर आ रहा है इस पूरे पोर्शन uh, जो है उसमें से जो वोल्टेज फाइंड uh, गुजर रहा है तो जो वोल्टेज इसमें से गुजर रहा है वही इससे में से गुजरेगा और वही इसमें से गुजरेगा यानी हमें पता चल गया कि ये वाला जो रेजिस्टेंस रेजिस्टर uh, है टू ओम वाला इसमें से कितना वोल्टेज पास करे फाइव पॉइंट वन वोल्ट तो इस uh, अगर सिंपली ये वाला फार्मूला वी इक्वल टू आई आर वाला फार्मूला बार बार अप्लाई हो रहा है अब हम ये टू ओम वाला रजिस्टर जो है वी टू और इसी में से फाइंड करेंगे तो हमने करनी है करंट I2 टू इज इक्वल टू वी टू और आर टू और ये टू वाला रजिस्टर जो है उसमें से वोल्टेज गुजरा है फाइव पॉइंट वन और जो इस, इसका रजिस्टेंस है इसकी वो है टू अहम तो ये जब इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो इट विल बी लाइक समथिंग लाइक टू पॉइंट फाइव सिक्स एम तो जो हमारा रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस टू ओ हम है उसमें से करंट जो पास करिए है दैट इज फाइव टू पॉइंट फाइव सिक्स एम्पियर और अगर आपको एक अच्छा वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज, इसको शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू सो मच